सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आज ये यूजीआर और जो बूस्टर पंप लगा है, इसकी वजह से इस इलाके के कई घरों में, कई ब्लॉक्स में, घर घर में टूटी में अब पानी आने लगेगा। पहले टैंकर से पानी आया करता था, आप सब लोगों को पानी की सुविधा हो गई। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत दोस्तों, पिछले 3 साल से जब से सरकार बनी है, पूरी दिल्ली के अंदर खूब काम चल रहे हैं। आज मैं 2 बातें आपसे दिल की करना चाहता हूं। आपने 2014 में भारी बहुमत देके 7 सांसद बीजेपी के बनवाए थे। दिल्ली में 7 सीटें आपने बीजेपी को दी थी कि नहीं दी थी? यहां से आपने रमेश बिधूड़ी को अपना एमपी, अपना सांसद बनाया था। उसके 1 साल के बाद 2015 में आप लोगों ने 70 में से 67 सीट देके आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाई थी। आज 3-4 साल हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 7 बीजेपी के जो सांसद बनाए थे आपने, उन्होंने आपका काम करा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपका काम करा? जरा जोर से बता दो, किसने करा आपका काम? आपने 7 सांसद बनाए थे बीजेपी के, जहां इतने हजारों लोग आज इकट्ठे हैं, कोई एक आदमी मेरे को बता दे एक काम उन्होंने 7 ने कराओ, एक अच्छा काम कराओ 4 साल में। मैं चैलेंज करता हूं, एक अच्छा काम रमेश बिधूड़ी ने पिछले 4 साल में एक काम आपका कराओ। एक कोई गली बनाई हो, किसी की पेंशन लगाई हो, कोई पार्क बनवाया हो, कोई सफाई कराई हो, किसी के घर में पानी पहुंचाया हो, किसी की बिजली कुछ करा है? इन 7 सांसदों ने पिछले 4 साल में एक काम अच्छा कराओ, हमको बता दो। और पिछले 3 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितने काम दिल्ली में करे हैं, ऐसे क्रांतिकारी काम करे हैं भाई साहब, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है आज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हमारी सरकार के पहले हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे कि नहीं बढ़ते थे? हमारी सरकार ने आने के बाद दिल्ली में बिजली के रेट 3 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया, उल्टे दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिए। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है, सबसे सस्ती बिजली। जिस जिस के बिजली के बिल कम हुए, हाथ खड़े कर दो जरा से, जिस जिस के बिजली के बिल कम हुए। दोस्तों, पहले बिजली के पावर कट लगा करते थे, मेरे को याद है, आधा टाइम इन्वर्टर, जनरेटर। आज हमारी सरकार के आने के बाद लोग जनरेटर का नाम भूल गए, इन्वर्टर वालों की दुकानें बंद हो गई, बैटरी वालों की दुकानें बंद हो गई, दिल्ली में पावर कट लगने बंद हो गए। दोस्तों, थोड़े बहुत एरिया है जहां पे लोकल लेवल पे ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर आ रही है, पूरी दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। आपके सरकारी स्कूलों का हुलिया बदला कि नहीं बदला, हाथ खड़े करके बता देना जरा से, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? आपके सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज सब मुफ्त कर दिया दिल्ली सरकार ने। पूरी दिल्ली के अंदर आज मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। ये आपके 7 सांसदों ने क्या करा? इन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं करा। इन्होंने एलजी साहब को जाके 2.5 साल तक इन्होंने एलजी साहब को जाके कहा मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक लो दोस्तों। इन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं करा।
सारे कामों में अड़चन आई, आपके सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए, आपके मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिए, आपके बिजली के रेट कम कर रहा था उसकी फाइल रुकवाई एलजी से, हर काम में अड़चन आई, हर काम में अड़चन आई, हर काम में अड़चन आई दोस्तों इन लोगों ने। आज अगर दिल्ली में सातों सांसद आम आदमी पार्टी के होते भाई साहब, आज अगर सातों सांसद हमारे होते, 10 गुना स्पीड से दिल्ली में काम होता, 10 गुना स्पीड से। इन सातों के सातों ने, भाजपा वालों ने हर काम के अंदर अड़चन लड़ाई है। पूरी दिल्ली के अंदर हमने न्यूनतम वेज बढ़ाए, मिनिमम वेज बढ़ाए। पहले 9,000 रुपए महीना मिला करता था ठेके पे काम करने वालों का, दूसरे कर्मचारियों का। मिनिमम वेज दिल्ली में 9,000 रुपए था, हमने गरीबों के 13,500 रुपए महीने कर दिया पूरी दिल्ली में 13,500। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ गलत करा क्या? गलत करा कि ठीक करा? गरीबों को अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूल में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? दोस्तों हमने 13,500 रुपए महीना करी तनख्वाह, और ये बीजेपी वालों के कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ इन्होंने केस करा और वो खारिज करवा दिया उन्होंने। आज मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को पिछले 1.5 साल से, जिन गरीबों को 13,500 रुपए महीना तनख्वाह मिलनी चालू हो गई थी, उनको वापस 9,000 रुपए उनकी तनख्वाह कम हो गई, 50% तनख्वाह कम हो गई उनकी। आज इतनी महंगाई के जमाने में जिनको 13,500 रुपए महीना तनख्वाह मिलनी चालू हो गई थी, उनकी 9,000 रुपए तनख्वाह हो गई भाई साहब। बहुत तकलीफ होती है मेरे को, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। इन्होंने हर काम में अड़चन लड़ाई, हर काम में इनसे लड़ लड़के करवा के ले आया। आपकी जो तनख्वाह कम हुई है, 3 से 4 महीने के अंदर आपकी तनख्वाह दोबारा बढ़वाएंगे हम। दोस्तों आप लोगों को सोचना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर मेट्रो के दाम बढ़े, बीजेपी वालों ने बढ़ाए, आज अगर दिल्ली में सातों सांसद आम आदमी पार्टी के होते, इनकी हिम्मत नहीं थी जो मेट्रो के दाम बढ़ा दे आप लोगों के। इन्होंने सीलिंग करी, बीजेपी वालों ने सीलिंग करी, हमने खूब विरोध किया इनका, ये लोग नहीं माने। आज अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सातों सांसद होते, इनकी हिम्मत नहीं थी मजाल जो ये सीलिंग कर देते पूरी दिल्ली के अंदर। दोस्तों कई लोग मेरे से कहते हैं, क्या करते जी आप अगर आपके सातों सांसद होते? मैंने कहा भैया एलजी के घर में घुस के धरना करके मैं काम करा के ले आता हूं एलजी से। अगर मेट्रो के सातों सांसद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के होते, संसद ठप कर देते हम लोग, संसद के अंदर धरना करके बैठ जाते, संसद के अंदर भूख हड़ताल कर देते, दिल्ली वालों के सीलिंग नहीं होने देते, दिल्ली वालों के मेट्रो के किराए नहीं बढ़ने देते अगर सातों सांसद आम आदमी पार्टी के। अगली बार वोट डालने जाओ ये ध्यान रखना कि रमेश भिदूड़ी ने तुमको क्या दिया, ये सोच के जाना। अगली बार वोट डालने जाओ ये सोच के जाना। कई लोगों से मैं पूछता हूं, कहते हैं जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, क्या मिला भाई साहब? कुछ मिला? कोई स्कूल ठीक कराए? कोई अस्पताल ठीक कराए? कोई पानी दिलाया? कुछ करा? अगली बार सातों सांसद आम आदमी पार्टी के दे देना, जो मर्जी प्रधानमंत्री बन जाए, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाए, उससे मैं काम करा के ला दूंगा आप लोगों के। दोस्तों मैं काम करा के ला दूंगा।